जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे FMCG सेक्टर के आने वाली एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में। एंड अगर देखा जाए तो एक इस कंपनी से जुड़ी एक न्यूज़ हमको सामने आते हुए देखने को मिल रही है। सो चलिए सीधा चलते हो अपनी कंपनी के न्यूज़ के ऊपर। सो यहाँ पर हम सीधा न्यूज पर आ गए हैं। जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क टू एक्वायर फाइट फूड सिस्टम। तो यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क दोस्तों वो एक्वायर कर रहे हैं फाइट फूड सिस्टम को। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जुबिलेंट फूड है उन्होंने फरवरी 19 को अनाउंस किया है कि ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी फाइट फूड सिस्टम को फुल्ली एक्वायर कर लिए हैं दोस्तों। एंड ये न्यूज आपको बहुत ही हमको शानदार देखने को मिल रही है, जिसका असर आपको मंडे को मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। एंड अगर इस कंपनी की बात करें तो हम अपनी कंपनी के सीधा चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं। सो यहाँ हम अपनी कंपनी के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क है दोस्तों। एंड अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 2952 आपको देखने को मिल रहा है। एंड फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1.71% की हमको इस कंपनी में तेजी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ्राइडे की बात करें तो मार्केट हमको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो दोस्तों, तो एक दिन में हरे निशान, पाँच दिन में भी हरे निशान में हमको देखने को मिल रहा है। एक महीने की बात करें तो भी हरे निशान में। फाइव ईयर्स की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमको करते हुए देखने को मिले। अगर पाँच साल के रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं कि करीब आपको पाँच साल में ये पाँच गुना तक कंपनी हमको रिटर्न्स देते हुए देखने को मिली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर इसका मार्केट कैप भी देखेंगे तो बहुत ही हमको अच्छा देखने को मिलेगा। मार्केट कैप 388.57 बिलियंस हमको इनका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो एक लार्ज कैप में आने वाली कंपनी हमको देखने को मिल रही है। एंड अगर फ्राइडे के डिलीवरी की बात करते हैं, हमारा आप देख सकते हैं कि जो फ्राइडे की डिलीवरी है वो करीब 25% तक हमको देखने को मिल रही है। एंड 52 वीक हाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 19 फरवरी को ही हमको देखने को मिला, जो 3005 है। लो की बात करें तो 1139। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि एक ही साल के अंदर अंदर इस कंपनी ने आपको करीब दोस्तों 2.5 गुना से अधिक का मुनाफा दे चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो सितंबर से दिसंबर की अगर तुलना करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला। एंड प्रॉफिट की बात करें तो 12,510 लाख आपको होते हुए देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो करीब 1.5 गुना से अधिक हमको देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, जो प्रमोटर्स है वो सेम अपनी होल्डिंग इस कंपनी में रखते हुए देखने को मिल रही है। क्वार्टर वाइज 41.94% ही हमको देखने को मिल रहा है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 57.85 आपको देखने को मिल रहा है। एंड इम्प्लॉय ट्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे इनका जो हिस्सेदारी वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो 0.21% की हिस्सेदारी इस कंपनी में रख रहे हैं। एंड अगर इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी हमको डिविडेंड भी देती है। एंड यहाँ पर 2017 की बात करें तो 2.5 रुपये का 18 में इन्होंने बोनस भी दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात हमको देखने को मिल रही है 2018 में। और देखें तो सितंबर में 2.5 रुपये का डिविडेंड, 19 में बात करें तो 5 रुपये, 2020 में बात करें तो 6 रुपये का। तो यहाँ पर हम जो डिविडेंड है वो हमको बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्लीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.17% की प्लीज हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे प्लीज के बारे में एक चीज़ और बता दें दोस्तों, कि अगर कोई किसी भी कंपनी का प्लीज अगर 25% से अधिक है तो उस कंपनी में आपको थोड़ा रिस्क देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर कंपनी कभी ऊंच नीच होता है दोस्तों, जो ये प्लीज होते हैं बैंक में जो रखे होते हैं दोस्तों, तो बैंक को उस प्लीज को बेच कर अपना पैसा निकाल लेती है। एंड उस समय कंपनी डूबने की कगार पर भी आ सकती है। सो यहाँ हम अपनी कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ गए हैं। एंड यहाँ पे अगर बातें करो तो आप देख सकते हैं कि करोड़्स में बातें, जो भी बातें होगी करोड़्स में हमको होते हुए देखने को मिलेंगी। रिजर्व आप देख सकते हैं कि पहले 977 करोड़, एंड उसके बाद 1191, एंड अभी की बात करो तो 1050 करोड़ हमको रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। कर्जे की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी कर्जा हमको देखने को नहीं मिल रहा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी देख सकते हैं कि कोई भी कर्जा कंपनी हमको देखने को नहीं मिल रहा, मतलब कि ये एक डेट फ्री कंपनी हमको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड कैश की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैश है वो पहले 128 पूरे उसके बाद 490 करोड़, एंड अभी की बात करें तो 639 करोड़ आपको कैश देखने को मिल रहा है। तो 5 स्टार कंपनी हमको ये देखने को मिल रही है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर इस कंपनी की बात करें तो हमने आपको इस कंपनी के बारे में जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं दोस्तों, वो सभी हमने आपको दिखा दिया है। एंड अगर आप चाहें तो इस कंपनी
के बारे में जरूर सोचें दोस्तों, क्योंकि एक बहुत ही शानदार कंपनी हमको देखने को मिल रही है एंड मल्टीबैगर कंपनी हमको देखने को मिल रही है। सो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को बाय कर सकते हैं, एंड अगर ना अगर आपको ये कंपनी पसंद नहीं तो दोस्तों इग्नोर भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।